ये चारों पार्टियां मिलकर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अकाली दल, ये चारों मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है पंजाब में। ये जो फिल्म आज, ये जो मूवी आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसके डायरेक्टर मोदी जी हैं और किरदार बीएसपी और अकाली दल है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। पंजाब में मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि पंजाब नंबर वन पे है। सूबे की आवाम को तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए, कैप्टन साहब खुद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब की डूबती बेड़ी को पार लगाने के लिए उनके हाईकमांड, उनका हाईकमांड यानी कि मोदी जी आज इस प्रकार की रैंकिंग्स भी जारी कर रहे हैं और इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में एक फिल्म चल रही है, एक पिक्चर चलाई जा रही है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, वजीर आजम मोदी, और उस फिल्म के, उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल। ये दोनों लीड एक्टर्स हैं और डायरेक्टर के कहने पर इन दोनों एक्टर्स के बीच जुगलबंदी करवाई जा रही है। कहने का मतलब है कि मोदी जी के कहने पे, मोदी जी के इशारे पे और मोदी जी की वजह से बसपा और अकाली दल का यह गठबंधन हुआ है। बसपा और अकाली दल तो कठपुतलियां हैं, उनकी डोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। बीएसपी वो पार्टी है जो आज पार्लियामेंट में तो बीजेपी का साथ देती है, बीजेपी की भाषा बोलती है, उसके साथ साथ किसको टिकट देनी है ये भी बीजेपी से पूछ के करती है, किस पार्टी के नेता से बात करनी है ये भी बीजेपी से पूछ के करती है, यहां तक कि कौन से जिले में, कौन से हलके में अपना दफ्तर खोलना है उसका भी अप्रूवल बीएसपी मोदी जी से और उनके कार्यालय से लेती है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस अलायंस के लिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज आम आदमी पार्टी को हर कीमत पर पंजाब में रोकना चाहते हैं। आज जो आपने देखा वो एक फॉर्मल अलायंस था, यानी कि औपचारिक अलायंस अकाली दल और बीएसपी के बीच। पंजाब में एक इनफॉर्मल अलायंस भी है, अनौपचारिक अलायंस, जो कैप्टन मोदी और बादल परिवार के बीच में। यह इनफॉर्मल अलायंस है जिसमें अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, और एक फॉर्मल अलायंस हो गया जिसमें बीएसपी और अकाली दल शामिल है। ये चारों पार्टियां मिलकर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अकाली दल, ये चारों मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है पंजाब में, इसलिए आज घबराई घबराई घूम रही हैं, एक दूसरे से सहारा ले रही हैं। बीएसपी वो पार्टी जो आज अपना कार्यालय भी नहीं खोलती, अपना ऑफिस भी नहीं खोलती बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के परमिशन के, उनके अनुमति के। आज मोदी जी के कहने पर यह अकाली दल और बीएसपी का अलायंस हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस नापाक अलायंस का
जवाब पंजाब की आवाम देगी। लोग समझते हैं कि कौन सी ताकतें हैं, कौन सी वो शक्तियां हैं, पावर है जो पंजाब के आम आदमी को खड़ा होने से रोकना चाहती है। और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए मोदी जी के कहने पर अकाली दल और बसपा का गठबंधन कराया गया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म आज, ये जो मूवी आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसके डायरेक्टर मोदी जी हैं और किरदार बीएसपी और अकाली दल है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। इनकी राजनीतिक चालें, इनकी राजनीतिक सियासत की चालों का जो स्क्रिप्ट है वो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से, यानी कि मोदी जी के कार्यालय से आता है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पंजाब सूबे की आवाम बड़ी समझदार है, बड़ी होशियार है, वो ये सब जानती है, देखती है, समझती है कि सियासत में जो ये खेल खेला जा रहा है, ये पीछे से प्रधानमंत्री मोदी जी इस खेल का आयोजन, प्रायोजन और संचालन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर, वो कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके कहने पर काम करते हैं, उनके कहने पर इशारा, उनके इशारों पे चलते हैं, उस डूबती कांग्रेस को उसकी बेड़ी पार लगाने के लिए, उसे डूबने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूठ मूठ की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन की रैंकिंग्स जारी करी कि पंजाब तो न जाने नंबर वन पे है एजुकेशन में। पंजाब में मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि पंजाब नंबर वन पे है। सूबे की आवाम को तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए, कैप्टन साहब खुद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब की डूबती बेड़ी को पार लगाने के लिए उनके हाईकमांड, उनका हाईकमांड यानी कि मोदी जी आज इस प्रकार की रैंकिंग्स भी जारी कर रहे हैं और इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि दो अलायंसेज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए करी जा रही हैं। एक है फॉर्मल अलायंस, औपचारिक अलायंस, जिसमें अकाली दल और बीएसपी शामिल है। एक है इनफॉर्मल अलायंस, जिसमें मोदी, कैप्टन और बादल परिवार, ये सब शामिल है। आज ये दोनों ताकतें मिलकर एक दूसरे के साथ रल के, मिल के आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती हैं। और पंजाब की जनता, पंजाब की आवाम इस पिक्चर को, जिस पिक्चर के डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं और एक्टर अकाली दल और बसपा है, उसे समझ चुकी है, जान चुकी है। इन चारों पार्टियों का, चारों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, बीएसपी का रिमोट कंट्रोल, अकाली दल का रिमोट कंट्रोल और कांग्रेस कैप्टन का रिमोट कंट्रोल, इन चारों का रिमोट कंट्रोल सीधा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सियासत चलाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश, नापाक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसी के साथ मैं, चीमा साहब, आपको जोड़ना चाहेंगे। मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय चीमा साहब से कहूंगा कि वो भी इस विषय में अपनी बात रखें। देखो, बड़ा स्पष्ट है कि जदों दे तीन काले कानून आए ने, ना तो बहुजन समाज पार्टी बोली आ,
ना सरदार प्रकाश सिंह बादल जी बोले ने। ये बड़ी स्पष्ट गल है कि जो तीन काले कानून ने बेशक अकाली दल ने नाता बीजेपी नूं तोड़ लिया, जिस तरह चड्डा साहब ने कहा गया नाता तोड़ लिया, पर लेकिन जिहड़ा पांच वार दा मुख्यमंत्री आ, जिन्हें पांच वार पंजाब दी मुख्यमंत्रीशिप की आ, वह एक बार भी देश दे प्रधानमंत्री नूं मिलन नहीं गया, एक बार भी एक भी शब्द उन्होंने जिहड़ा हैगा वह बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलिया। अज यही कारण है कि जिस तरह राघव चड्डा जी ने कहा साडे जिहड़े पार्टी के प्रभारी ने गे सह प्रभारी ने पंजाब के बिल्कुल दुरुस्त हैगा कि जिस तरह मोदी साहब चलाउंदे ने गे उस तरह बहुजन समाज पार्टी चलती आ, उस तरह अकाली दल चलता गा, ता ही अनैतिक गठजुड़ होया गा। 0+0 पंजाब दे विच अकाली दल पहले ही 0 होया पिया गया। पंजाब का बच्चा बच्चा कह रहा कि सब तो मोस्ट हेटड पार्टी जिहड़ी अकाली दल आ, सब तो माड़ी पार्टी पंजाब विच अकाली दल आ, जिन्हें अपने सारे सिद्धांतों नूं तलांजली देती। उस तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे सिद्धांतों नूं तलांजली देती, क्योंकि जिहड़ा जिहड़ी पार्टी बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी दे सिद्धांत ते बनी सी, कांशी राम जी ने बनाई सी, अज सारे सिद्धांत कांशी राम जी दे सिद्धांत, बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी दे सिद्धांत बहुजन समाज पार्टी दे सिक्के ते टंगते, अज जिस तरह अकाली दल कारपोरेट सैक्शन बन के चलिया है, उस तरह BSP चली हुई आ। सब नूं पता गा कि UP दे विच किस तरह पांच वार मुख्यमंत्री रही, पर लेकिन डट के मायावती ने डट के करप्शन की, डट के जिहड़ा हैगा दलतों के हितों नूं अणगौलिया किया। उस तरह 10 साल पंजाब विच अकाली दल BJP का 10 साल राज रहा, 10 सालों के पंजाब विच दलतों पर अत्याचार होए, उन्हां दा स्कॉलरशिप खाधा गया, उन्हां दी रिजर्वेशन खाधी गई, जिहड़े बणदे हक सी दलतों के वह खाधे गए, जिथे जिहड़ी बणदी जमीन सी वह खाधी गई। अकाली दल ने डट के 5-10 साल जिहड़ा हैगा पंजाब के दलतों नूं कुटिया लुटिया, उन्हां दे हक्कां तों वांझे कीता, संविधानक जिन्हां संविधानक हक बणदे सी उन्हां तों वांझे कीता। सो BSP मैं समझना अज उस पार्टी च रली आ, जां उस पार्टी दा अलायंस कीता गा जिहड़ी पार्टी दलित विरोधी आ। सो इत्थों पता लगदा गा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे सिद्धांत सिक्के ते टंगते, अज वह भी एक लुटेरी पार्टी बनी हुई। अज पंजाब दे दलतां नूं पता गा कि जेकर उन्हां दी कोई प्रोटैक्शन कर सकता, जेकर पंजाब दे दलतां नाल कोई खड़ सकता गा, तां उह आम आदमी पार्टी आ। क्योंकि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने एक नारा दिता सीगा, पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो। अज जेकर पढ़ाई की गल करती आ, जेकर अज एजुकेशन की गल करती आ, तां उह आम आदमी पार्टी आ। दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का एजुकेशन जिहड़ा मॉडल आ, वह अज देश के लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा। अज देश के लोगों गरीब लोगों दलित लोगों किस चीज़ की लोड़ आ, अज उन्होंने अच्छे इलाज की लोड़ आ, अच्छी पढ़ाई की लोड़ आ, वह आम आदमी पार्टी का कंसैप्ट आ। अज पंजाब का बच्चा बच्चा जानता गा कि आम आदमी पार्टी उन्होंने हितों को प्रोटैक्ट करेगी, ता ही जिहड़ा हैगा एक अनैतिक जिहड़ा हैगा गठजोड़ अकाली दल ते BJP ने किया गा। पंजाब के लोग जो 2022 की इलैक्शन आनी है इस तरह के गठजोड़ को मूँह नहीं लाएंगे। पंजाब के बच्चे बच्चे को पता गा कि गठजोड़ जिहड़ा हैगा सिद्धांतों के उल्टा, दोनों पार्टियां जिहड़ियां हैगियां ने इस समय अपने अपने सिद्धांत जिहड़े हैगे ने वो छड़ चुकियां नेगियां। BSP ने तो बहुत लंबा अरसा होया छड्डे नूं, अकाली दल ने उस तो पहला छड़ता। सो इन्हां दोनों पार्टियां जिहड़ी 0+0=0 आ, सो इन्हां दा रिजल्ट पंजाब विच कुछ नहीं आउणा हैगा। बिल्कुल इन्हां दे पंजाब दे लोक जिवें कांग्रेस पार्टी नूं रिजैक्ट करनगे, उस तरह अकाली दल BSP दा भी भोग पऊगा, क्योंकि अकाली दल दे जिहड़ा हैगा जिथे वह काले कानूनां दा जन्मदाता गा, जिथे अकाली दल उत्थे नाल दी नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी भी उन्हां दे हिस्से आई हैगी। सो अकाली दल जिहड़ा मोस्ट हेटड पार्टी आ, उहदे नाल BSP जिहड़ी हैगी आ, उह BSP भी रल के उहने भी जिहड़ा माड़ा मोटा दा वजूद सी उह भी खत्म हो गया। सो 2022 दे विच जिथे पंजाब दे लोक कांग्रेस पार्टी का भोग पाउणगे, उत्थे नाल दी नाल अकाली दल BSP दे गठजोड़ का भी बुरी तरह भोग पाउणगे। धन्नवाद जी, एनी सवाल तुहाडा क्वेश्चन। मोदी जी ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सियासत के तो माहिर हैं वो, इतना तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। सियासत समझते हैं, लोगों की नब समझते हैं, और वो ये बात जान चुके हैं कि BJP का तो अब कुछ बचा नहीं है। यहां पे BJP के नेताओं को, उनके जितने भी आगू हैं, उनको लोग अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, पिंडों में नहीं जाने दे रहे, चप्पल जूतों से उन्हें मार पड़ रही है, पिटाई की जा रही है। तो उस पार्टी का तो कुछ बचा नहीं, तो अब कौन सी पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकेगी? अकाली दल अकेले नहीं रोक सकती, तो अकाली दल के साथ
बसपा को जोड़ दो, बीएसपी को जोड़ दो, ये भी नहीं रोक पा रहे तो कैप्टन अमरिंदर तो उनके वैसे ही साथी हैं, दोस्त हैं, उनको कहकर जोड़ देंगे। ये सारी खिचड़ी जो बनाई जा रही है, जो आज ये जुगलबंदी पंजाब में चल रही है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चल रही है। नहीं, हमारी ये गलत खबर है, ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही थी, ना कभी पहले चली है, ना आज चल रही है, ना आगे चलेगी। नहीं, ढींडसा साहब के साथ हमने, आज भी मैं उसी बात पे कायम हूं कि आम आदमी पार्टी में वो आए, उनका स्वागत है। अलायंस की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे पंजाब में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। मैंने अभी उसी सवाल का जवाब दिया आपको। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। किसी एक आदमी का नाम लेना, किसी एक आगू का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। 2017 में लोगों के प्यार से और परमात्मा की मेहर से हमें मुख्य विरोधी पार्टी बनने का, लोगों की आवाज को बुलंदी से सरकार के सामने रखने का मौका मिला। और 2022 के इलेक्शंस में परमात्मा की मेहर से और लोगों के प्यार से, लोगों के विश्वास से आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले सरकार बनाएगी। देखो, सीएम की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बोल चुका हूं, आम आदमी पार्टी आने वाले समय पे अनाउंसमेंट करेगी, सूचनाएं आपको देगी। सबसे पहले जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले आपको बताऊंगा। जो आपने कैंडिडेट लिस्ट निकाली है उसमें सीरा कैंडिडेट लिस्ट हल्का इंचार्ज जो आपने लिस्ट निकाली है उसमें सीधे आपके ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि आप लोगों ने पैसा लेके आपने ये लिस्ट निकाली है, और ये अमरगढ़ के जो सीरा पनोरा जी, उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन, इन एलिगेशन का जवाब देने की भी जरूरत नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये झूठ है या सच है? सब बकवास है। मैं वीर जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आम आदमी पार्टी इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको अगला अपना मुख्यमंत्री दिखाकर, सामने लाकर, अनाउंसमेंट कर चुनाव लड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंजाब से होगा, बिल्कुल पंजाब से होगा। काशीराम की पॉलिसी तो हट चुकी है, जो हरपाल चीमा जी दावा कर रहे हैं, तुसी कर रहे हो, पर काशीराम खुद अकाली दल नाल अलायंस करके एमपी बन चुके हैं 1996 की गल। चीमा साहब जवाब, उस समय भी वो पार्टी के नाल थे, उस समय भी प्रकाश सिंह बादल और काशीराम दा अलायंस है। देखो, जदों काशीराम जी जिउंदे सी उदों दे मरण तो बाद, उन्होंने इस दुनिया तो जाण तो बाद, जिहड़ी बीएसपी है, तुहानू सब नू पता कि अपने सारे सिद्धांतों नू तलांजली दे चुकी आ। उस तो बाद जिहड़ा हैगा बिल्कुल ही सारे सिद्धांतों तो हट चुकी आ। पंजाब दा बच्चा बच्चा जाणदा, तां ही उस पार्टी दा ग्राफ जिहड़ा हैगा 0.1 पॉइंट तो भी घट आ गया सीगा। अज बिल्कुल मैं समझदा खत्म हो चुकी पार्टी आ। अज तो पंजाब च कोई नाम लैण वाला जिहड़ा हैगा कोई बचिया नहीं। 17 दे इलैक्शन च उसे उसे पार्टी नू 4 to 5% वोटां आउंदियां, 2019 दे विच 1.5% तक वोट लै जांदी है। देखो बिल्कुल जी पार्टी 1.5% नहीं, 1% तो घट जी 17 च वोट ली है उन्होंने, 2017 के 1% तो घट वोट मिली है, कितने 1,000 रुपया कितने 500 रुपया। पंजाब के दलतों नू पता गा, पंजाब के किसानों नू पता गा, पंजाब के व्यापारियों नू पता गा, पंजाब के मुलाजमान नू नौजवानों नू पता गा कि उन्होंने भविख जेकर सुरक्षित है तो आम आदमी पार्टी के सियासत में एक सियासत में बहुत बार 1 और 1 11 हो जाता है, लेकिन बहुत बार 1 और 1 0 भी हो जाता है। ये 0 वाली कहानी चल रही है, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, जो मैं कह रहा हूं, ये जो मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रही है, जिसके डायरेक्टर मोदी हैं और एक्टर अकाली दल और बसपा है, बीएसपी है, ये मूवी बड़ी मजबूती से फ्लॉप होने जा रही है।
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਮ ਪੇ 22 ਕਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਉ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ देखो उस तो बाद लगातार पंजाब अज इस तरह का प्रदेश बन चुका है पंजाब इस तरह का राज बन चुका है कि हर रोज नवे कपड़े सामने आ रहे हैं हर रोज एक कपड़े के बाद दूजा कपड़ा सामने आ रहा हूँ तो पता नाल दी नाल स्कॉलरशिप का स्कैम आ गया कल जलंधर के प्रोटेस्ट किया अज पूरे पंजाब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल बड़ी जल्दी जो एक बड़ा एक्शन जो सीएम साहब के घर का कराओ बड़ी जल्दी करा तो दस देंगे चुनावों में मोमेंटम कब बनना चाहिए कब बनाना चाहिए बड़ा जरूरी होता है बड़ी जल्दी मोमेंटम भी नहीं आना चाहिए देखिए वो तो सियासत के जो माहिर है वो आकलन लगाएंगे अपना आज जब हम लोग घूमते हैं पूरे पंजाब में हमारी पूरी लीडरशिप घूमती है एक ही आवाज कान में पड़ती है कि इन सारी पार्टियों को देख लिया बादलों को देख लिया कैप्टन को देख लिया सबको ट्राई कर लिया सबने पंजाब को धोखा दिया लूट लिया कोई एक चीज नहीं है जो पंजाब में बेची ना हो रेता बजरी से लेकर बिजली विभाग तक ट्रांसपोर्ट से लेकर केबल टीवी तक यहां तक कि वैक्सीन को भी बेच के प्रॉफिट कमाया मुनाफा कमाया घोटाले करें सब बिक गया पंजाब का अब पंजाब की बेड़ी अगर कोई पार लगा सकता है कोई बचा सकता है खुशहाल बना सकता है वो आम आदमी पार्टी है लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी आपको पता नहीं क्यों लग रहा है मोमेंटम मिसिंग है मोमेंटम चल रहा है सारे सर्वे दिखा रहे हैं हमारे ही मोमेंटम है उधर बाबाजा चाय पे बात कर नहीं नहीं तुसी आज अपने सारे जड़े जड़े कैमरे ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ते लेके जाओ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ 1250 1300 ਜਾਂ 1350 ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲਈ 1300 ਚ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇ 1% ਕੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ 19-20 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੀਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਪੇ निगाहें गाड़ के कि हम कुछ करें और हमें पकड़ ले और पंजाब में जिस प्रकार से जिस हिसाब से घोटाले चल रहे हैं वैक्सीन से लेकर फतेह किट तक मैंने खुद पंजाब के लोकपाल को लोकायुक्ता को चिट्ठी लिखी है और ये मांग करी है कि इस पूरे घोटाले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी दोषी है चाहे दोषी मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए मैंने आपको बताया तो सही उसी का तो जवाब दिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।